क्या आप भी नदी के तालाब में सिक्का फेंक कर सोचते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाएगी? अगर हाँ तो जनाब अपने कान खड़े करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि थाईलैंड के एक ऐसे कछुए के बारे में पता चला जिसके पेट में 950 से भी ज्यादा सिक्के पाए गए। लेकिन सवाल ये आता है कि कछुए के पेट में इतने सारे सिक्के आए कैसे और ये पूरा मामला क्या है? दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी गिरफ्त में आकर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तभी तो कई बार लोग अंधविश्वास के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो नॉर्मल जिंदगी में कभी भी कोई भी नहीं करता। आप भी अक्सर बिल्ली के रास्ता काट जाने पर रुक जाया करते होंगे, या फिर किसी पवित्र नदी में सिक्का डालकर सोचते होंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और कई बार तो आपने अपने पलकों से गिरने वाले बालों को हाथों में लेकर विश भी मांगी होगी। इसी तरह के अंधविश्वास वाली हरकतें हर कोई करता है, लेकिन जब हमारा अंधविश्वास किसी की जान का दुश्मन बन जाए तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और थाईलैंड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां थाईलैंड में समुद्र के किनारे कछुआ बहुत ही गंभीर हालत में मिला। डॉक्टर्स ने जब उसकी जांच शुरू की तो उसका वजन बहुत बढ़ा हुआ था। इस बढ़े हुए वजन का कारण जाना जब डॉक्टर्स ने तो उनके होश उड़ गए। दरअसल सीटी स्कैन के दौरान ये पता चला कि कछुए के पेट में एक दो नहीं बल्कि 950 से ज्यादा सिक्के मौजूद हैं। उसके साथ साथ कछुए के पेट में फिशिंग हुक भी पड़ी थी, और इन सभी चीजों की वजह से कछुए की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। डॉक्टर्स ने कछुए की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन किया और सभी सिक्के और फिशिंग हुक को बाहर निकाल लिया। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 7 घंटे का टाइम लगा, जो अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड था, क्योंकि कछुए का ऑपरेशन करके इतनी ज्यादा मात्रा में सिक्कों को निकालना कोई छोटी बात नहीं थी। पर थाईलैंड के डॉक्टर्स ने इस मुश्किल काम को भी आसान बना दिया ताकि कछुए की जिंदगी बचाई जा सके। आप देख सकते हैं कितने सारे सिक्के इस कछुए के पेट से निकले। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतने सारे सिक्के कछुए के पेट में आए कैसे, और क्योंकि भला जानवरों का पैसे से क्या लेना देना। असल में थाईलैंड में एक बहुत बड़ी मान्यता प्रचलित है, या कह लीजिए कि वहाँ के लोगों का अंधविश्वास है कि अगर कोई कछुए के ऊपर सिक्का फेंकता है तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है और उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। और इसी अंधविश्वास के चक्कर में इस कछुए का हाल हुआ, जहाँ लोगों ने तालाब के अंदर इतने सारे सिक्के फेंके कि उसमें मौजूद ओमसन नाम के कछुए को तैरने की जगह कम पड़ गई। अब मजबूरी में इस कछुए ने जगह बनाने के लिए सिक्कों को निगलना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में सिक्कों को निगलने के कारण इस कछुए का नाम बैंक पड़ गया। हालांकि इतनी अधिक मात्रा में सिक्कों को निगलने की वजह से इसकी ऊपरी शेल क्रैक हो गई, और इतना ही नहीं पेट में सूजन और लंग इन्फेक्शन भी हो गया, क्योंकि इन सभी सिक्कों का कुल वजन 5 किलो से ज्यादा था, जिसकी वजह से कछुए को बहुत परेशानी हो रही थी। दर्द के कारण ये कछुआ ठीक तरह से तैर भी नहीं पा रहा था। ऑपरेशन करके सिक्के तो निकाल लिए गए, लेकिन कुछ समय के बाद ब्लड पॉइजनिंग की वजह से इस कछुए की मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार थाईलैंड के लोगों का अंधविश्वास है। और यही अंधविश्वास कई बार हम इंसानों को मानसिक शांति तो देता है, लेकिन जानवरों और दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। वैसे दोस्तों, जब हम कछुओं के बारे में इतनी बातें कर ही रहे हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं इन कछुओं का जन्म कैसे होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जो कि तकरीबन आधे से 1 घंटे तक चलता है। जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त होती है, उसके बाद नर और मादा अलग हो जाते हैं, और लगभग 40 से 50 दिनों के बाद मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दें कि मादा कछुआ अपने अंडे देने के कुछ घंटे पहले ही समुद्र तट की ओर रवाना होती है, ताकि वहां पर अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान का तय कर सके। कछुए ज्यादातर गर्मियों के मौसम में अंडे देते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम अंडे को अच्छे से हैच करने में मदद करता है। जैसे ही मादा कछुआ समुद्र तट पर पहुंचती है, उसके बाद भी वो अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान का चुनाव करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, मादा कछुआ यहाँ अकेली नहीं है, बल्कि इसके साथ कई सारी मादाएं मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 40 से भी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि कछुए ज्यादातर गर्मियों के मौसम में अंडे देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में ही अंडे देने के लिए आए होते हैं और एक एक करके समुद्र तट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही मादा अपने घोंसले की जगह चुनती है, उसके बाद वो देखते हैं कि उस जगह पर सूरज की रोशनी ठीक से पड़ती है या नहीं। वो इसलिए ताकि उनके घोंसले में मौजूद अंडों को सही से तापमान मिल सके, क्योंकि कभी कभार तेज लहरों की वजह से उनके घोंसले में नमी आ जाती है, जिसके कारण अंडों को हैच होने में ज्यादा समय लगता है या फिर वो खराब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मादा कछुआ कितने आराम से घोंसला बना रही है, जहाँ इन्हें गड्ढा खोदने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है, और इनके गड्ढों की गहराई 7 से 8 इंच होती है। जैसे इनका घोंसला तैयार हो जाता है, उसके बाद ही अंडे देना शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मादा कछुआ एक बार में लगभग 200 अंडे दे सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अंडे एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं, जो कि सबसे बुरी बात है। जैसे ही मादा कछुआ अंडे दे देती है, उसके बाद ये अंडों को रेतीली मिट्टी में दबाना शुरू कर देती है, और जैसे ही
ये सारे अंडे दबा देती है। उसके बाद ये मादा अंडों को उसी के हल पर छोड़कर वापस गहरे समुद्र में चली जाती। आपको बता दें, हर 2 से 5 साल के अंतराल में मादा कछुआ अंडे देने आती है और फिर लगभग 50 से 60 दिनों के बाद उन अंडों से बच्चे निकलने शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने छोटे और प्यारे होते हैं। घोंसले से एक एक करके बच्चे बाहर निकलते हैं और सीधे समुद्र की ओर जाने लगता है। लेकिन इस बीच इन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पशु पक्षी जो कछुओं के इन बच्चों को देखकर तुरंत शिकार कर लेते हैं, और केकड़े भी इनका शिकार करने में कसर नहीं छोड़ते। इसके अलावा भी इन छोटे से कछुओं को बहुत सी चीजों का सामना करके पानी के अंदर प्रवेश करना होता है। जो कछुए सभी मुश्किलों को पार करके पानी के अंदर पहुंचते हैं, उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। हालांकि पानी के अंदर भी उनका खतरा टला नहीं होता, क्योंकि बहुत से समुद्री जीव इनका शिकार करने के लिए हमेशा तैयार होता है। लेकिन समुद्री तट के मुकाबले पानी के अंदर उन्हें कम खतरा होता है, और यही वजह है कि मादा कछुआ बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों को जन्म देती है, या फिर कह लीजिए कि उसके अंडे बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन उनमें से आधे से भी कम कछुए समुद्र में वापस सुरक्षित पहुंच पाते हैं और एक आजाद जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन इस पर भी लोग अंधविश्वास का चश्मा लगाकर आंखों में सिक्के फेंकते जाते हैं और उनके लिए पानी के अंदर रहना मुश्किल कर देते हैं, जिसके चक्कर में कछुओं को परेशानी होती है और उसका जीता जागता नमूना आप देख ही चुके हैं। बाकी आपका कछुओं की जिंदगी के बारे में क्या कहना है, और आप कछुए के ऊपर सिक्का फेंकने वाले अंधविश्वास को मानते हैं या नहीं, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दें। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।